अस्सलामुअलैकुम, ईद आप सब खैरियत से होंगे। शुक्र अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान है, रहम करने वाला। तो जी, इंतजार की घड़ियां हो चुकी हैं खत्म, क्योंकि आज हमारे पास आ चुका है रेडमी नोट 12 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज में। रोज हमारे पास भाई आते थे, भाई जान नोट 12 कब आएगा, नोट 12 कब आएगा। तो भाई जान अभी नोट 12 आ चुका है, तो आज हम इसकी बनाएंगे, क्विक रिव्यू करूंगा और आपकी इसमें स्पेक्स बताऊंगा और बताऊंगा कि नोट 11 बेस्ट है या नोट 12 बेस्ट है। तो बिना टाइम वेस्ट की शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो ये रिसेंटली इसमें जो आपको मेन चार चीजें हैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ, इसमें जो हमें एक्स्ट्रा मेन चार चीजें देखने को मिल जाती है। पहली चीज की डिजाइन जो कि काफी फ्रेश सा लगता है। दूसरे नंबर पे इसका कैमरा जिसमें काफी फोटो के कलर्स काफी हैं और डिटेल्स काफी देखने को मिल जाती है। तीसरे नंबर पे इसमें स्नैपड्रैगन है जो कि 680 से बढ़ाकर 685 कर दिया गया। और चौथे नंबर पे इसमें हमें बड़ा साइज देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले जो इसमें एंड्रॉइड है जी, वो हमें देखने को मिल जाता है 13 OS का एंड्रॉइड में देखने को मिल जाता है। इसका जो वेट है आपको मिल जाएगा 183 ग्राम, इसका वेट आपको देखने को मिल जाता है। और इसके बाद जो हमारे पास है इसकी जो बॉक्स के ऊपर है इसके स्पेक्स मेंशन की गई है और ब्लू कलर में अवेलेबल है हमारे पास। ये ब्लैक कलर में आपको देखने को मिल जाता है आइस ब्लू, और इसके अलावा जो हमारा दूसरा कलर है वो नेक्स्ट ग्रे कलर में आपको मिल जाता है 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज में। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी रेट इसमें मिल जाती है आपको 2G 3G और 4G ऑप्शन में देखने को मिल जाता है, 5G का ऑप्शन इसमें नहीं दिया गया। उसके बाद इसका जो CPU ऑक्टा कोर का इसमें प्रोसेसर हमें दिया गया है 2.8 GHz का इसमें प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। चिपसेट इसमें लगाई गई है स्नैपड्रैगन 685 चिपसेट मिल जाती है जो कि अपडेट की गई है 680 से अपडेट करके 685 में स्नैपड्रैगन इसमें देखने को मिल जाती है। इसके बाद जो हमारे पास आता है इसका डिस्प्ले साइज है जी 6.67 इंच इसका डिस्प्ले साइज देखने को मिल जाता है। एमोलेड कैपेसिटी टच स्क्रीन इसकी देखने को मिल जाती है। इसमें जो रेजोल्यूशन है आपको मिल जाती है 180x24 MP इसमें आपको देखने को रेजोल्यूशन देखने को मिल जाती है। इसके बाद जो इसकी मेमोरी है वो 8 GB रैम में अवेलेबल है 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ, 4 GB रैम 64 स्टोरेज के साथ भी अवेलेबल है। लेकिन पाकिस्तान में जो वेरियंट अवेलेबल है वो आपको देखने को मिल जाता है 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ। और इसमें जो कलर ऑफिशियली हमें हमारे पास अवेलेबल है वो आपको मिल जाएंगे ब्लैक कलर और ब्लू कलर में अवेलेबल है। इसके बाद जिसकी मेन चीज है बैक साइड में ट्रिपल कैमरा देखने को मिल जाता है। जो इसका मेन कैमरा वो है 50 MP का मेन कैमरा है, 2.2 का अल्ट्रा वाइड कैमरा है, 1.8 इसका अल्ट्रा तीसरा कैमरा 1.8 वाइड है। और उसके बाद जिसका फ्रंट कैमरा है वो आपको देखने को मिल जाता है 13 MP जो कि देखा जाए तो मुनासिब है। रिजल्ट इसमें अच्छे हैं कैमरे के, इसके पिक्चर्स में काफी डिटेल्स देखने को मिल जाती है। इसके बाद जिसमें चार्जिंग पोर्ट है वो USB Type-C केबल देखने को मिल जाती है। और इसकी जो बैटरी है वो है सिर्फ 5000 mAh जो है, और इनके प्रोसेसर के हिसाब से काफी लॉन्ग टाइम ये आपको बैकअप देगी इंशाल्लाह। इसमें जो चार्जर है वो आपको 33 वाट का फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाता है। और काफी MI वालों ने अपना डिजाइन वैसे ही बरकरार रखा है, बॉक्स का डिजाइन बिल्कुल वैसे है, साइड में भी Redmi Note 12 का लोगो दिया गया है। तो इंशाल्लाह उम्मीद आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आप जानना चाहते हैं Redmi Note 12 और Note 11 में कौन सा बेस्ट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, इंशाल्लाह उन पे हम कंपैरिजन में डिटेल वीडियो बनाऊंगा। तो ये था शॉर्ट्स और क्विक रिव्यू, इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल बाय डिटेल मोबाइल अनबॉक्सिंग करके मैं दिखाऊंगा और इंशाल्लाह लॉन्ग वीडियो भी दिखाऊंगा। अल्लाह हाफिज़।